इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी। दिल्ली के धौलाकुआं अंडरपास में कई फीट तक भरा पानी। अंडरपास में कई कार फंसी, कार सवार निकले सुरक्षित। राजधानी की बारिश से सांसद भी असहाय। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों के घरों में घुसा पानी। साउथ एवेन्यू की सड़कों और सांसदों के घरों में फर्क करना हुआ मुश्किल। सांसदों के घर कई सामान हुए बर्बाद। भारी बारिश से जनपद इलाके में गिरा पेड़, एक कार को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के एक और वीआईपी इलाके फिरोज शाह रोड में पानी में डूबी सड़कें। पानी को चीरते हुए निकली गाड़ियां, पैदल चलने वालों को हुई परेशानी। दिल्ली के दो सबसे बड़े अस्पतालों एम्स और सफदरजंग के सामने बने अंडरपास में बारिश से जमा हुआ पानी। पानी भरने से लगा लंबा जाम। बारिश से इंद्रप्रस्थ के सराय काले खां की तरफ जाने वाली सड़क पर भी हुआ भारी जलभराव। जलभराव ने ट्रैफिक की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। दिल्ली और एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश। सुबह से रुक रुक कर बरस रहे हैं बादल। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के सफदरजंग में पिछले 24 घंटे में 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज, पिछले 12 साल का टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली के आईटीओ पर बारिश के बाद लगा जाम। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार, दफ्तर जाने वाले लोग फंसे। दिल्ली के आईटीओ पर रोड और फुटपाथ में फर्क करना मुश्किल हुआ। रोड किनारे फुटपाथ पर पैदल चलना असंभव हुआ। गुरुग्राम में भारी बारिश से कई फीट ऊंचा भरा पानी। कहीं साइकिल सवार गिरा, कहीं कारें पानी में फंसी। पिछले 24 घंटे में हुई 64.2 मिलीमीटर बारिश। मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश। अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई रोड पर 1.5 फीट तक पानी जमा। बेहद संभल कर चल रही है गाड़ियां। बारिश के बाद मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का भारी दबाव। रेंगती हुई चल रही है गाड़ियां। यूपी के मथुरा में भारी बारिश। सड़क पर बने गड्ढे में फंसी गाड़ी। ड्राइवर ने मुसाफिरों को बाहर निकाला। भारी बारिश से मथुरा के कई इलाके बन गए तालाब। कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक भरा पानी। गुजरात के 3 जिले वलसाड, बनासकांठा, साबरकांठा में भारी बारिश। अंबाजी में आधे घंटे में 3 इंच बारिश। तैरने लगी गाड़ियां। करीब एक महीने बाद गुजरात में बारिश की हुई एंट्री। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक होगी बारिश। भारी बारिश से बिहार का वैशाली हुआ जलमग्न। ऐतिहासिक विरासत अशोक स्तंभ और स्तूप पानी में डूबे। बिहार में दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेल यातायात को रोका गया। बाढ़ के कारण रुका रेल मूवमेंट। चमोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे हुआ ब्लॉक। हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। दिल्ली में 17 महीने बाद खुले स्कूल। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे उत्साहित दिखे दिल्ली के बच्चे। छात्रों ने कहा ऑनलाइन क्लास की तुलना क्लास में पढ़ाई अच्छा। दिल्ली में स्कूल खोलने पर पेरेंट्स के डर पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा एक्सपर्ट्स और अभिभावकों से बात करके खोले स्कूल। सिसोदिया बोले बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्वतंत्र। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से खुले कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। बच्चों को टीका लगाकर फूल चढ़ाकर दिया गया स्कूल में प्रवेश। भोपाल में भी फिर से खुले स्कूल। बच्चों को स्कूल जाने में लगा डर। कोरोना के खौफ से दहशत में नजर आए बच्चे और पेरेंट्स। जयपुर में भी आज से खुले स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे कोरोना नियमों के पालन के साथ लगी बच्चों की क्लास। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का किया बचाव। कहा देश के लिए बेहतरीन और सही फैसला। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बाइडेन का पहली बार राष्ट्र को संबोधन। कहा अब रुकने का नहीं था कोई मतलब। अफगानिस्तान जंग हमारे हित में नहीं। बाइडेन बोले अफगानिस्तान की जंग के अलावा अमेरिका के सामने दूसरी चुनौतियां। चीन से कंपटीशन और रूस से कई मोर्चों पर चुनौती का कर रहे हैं सामना। चीन और अमेरिका इन चुनौतियों से जूझने के बजाय अमेरिका को एक और दशक तक अफगानिस्तान में उलझाए रखना चाहते हैं। बाइडेन बोले हमने अपनी गलतियों से सीखा सबक। अफगानिस्तान के पंजशीर में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई जारी। तालिबान के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की खबर। तस्वीरों में तालिबान के ठिकानों पर फायरिंग के अलावा मोर्टार से हमले करते देखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। तालिबान के 19 लड़ाकों ने किया सरेंडर। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले के तुरंत बाद की आई तस्वीर। आग बुझाते दिख रहे हैं लोग। ड्रोन हमले में हुई थी 10 लोगों की मौत। महीने के पहले दिन महंगाई का झटका। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े। अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 884.50 रुपए। श्रीनगर के सादराबाग इलाके में सीआरपीएफ और गांधरबल पुलिस की साझा कार्रवाई। AK-47 की गोलियों के अलावा कई हैंड ग्रेनेड बरामद।
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज। अपने फेसबुक पेज पर पंजाब के एफएम अमरिंदर सिंह की हत्या की धमकी दी थी। अमरिंदर ने कहा, बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार ने जलियांवाला बाग की बदली तस्वीर। रिनोवेशन के बाद कमजोर इमारतें हुई दुरुस्त। खराब हो चुके टूटी खिड़की दरवाजों को ठीक किया गया। गलियारे को भी सवारा गया। जलियांवाला बाग पर राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के अलग अलग बयानों पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, पहले कांग्रेस आपस में डिसाइड करे कि जलियांवाला के रिनोवेशन से शहीदों का सम्मान हुआ या अपमान। सुपरटेक एमरल्ड ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। मौलाना याकूब अब्बास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। जन्माष्टमी की तरह मुहर्रम के लिए भी नाइट कर्फ्यू में ढील देने की मांग की। आज अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं में होंगे शामिल। घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर से दुबई के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीसी के जरिए रहे मौजूद। देश में 24 घंटे में करीब 43,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 462 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 30,203 नए केस। 24 घंटे में 115 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई। शिकायत मिलने पर माय बार पर छापा। गाइडलाइन उल्लंघन पर बार को किया गया सील। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बाद लखनऊ से पहुंची 15 डॉक्टर्स की टीम। डीएम ने 6 सितंबर तक पहली से 8वीं तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। पटना पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। चाय की दुकान चलाने वाले बच्चे पर गर्म चाय की केतली फेंकी। बच्चों के दोनों पांव चले। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 15,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अक्टूबर से शुरू करेगी संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा की शूटिंग। मुंबई के गोरेगांव में बनाया जा रहा है विशाल सेट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।